ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको श्री हरिवंश पुराण के 11वें दिन की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, नंद ने वहाँ बहुत दिनों तक गोपों के साथ निवास किया। दोनों पुत्रों रोहिणी व यशोदा के पुत्रों का नामकरण संस्कार कर रोहिणी के पुत्र का नाम संकर्षण तथा यशोदा के पुत्र का नाम श्री कृष्ण रखा। एक दिन श्री कृष्ण सुखपूर्वक निंद्रा में सो रहे थे। उसी समय यशोदा जी श्री कृष्ण को छकड़े बैलगाड़ी के नीचे लिटाकर यमुना जी में स्नान करने चली गईं। तब तक श्री कृष्ण जग गए और रुदन करते हुए जैसे ही स्तन पान करने की इच्छा हो हाथ पैर चलाने लगे। उन्होंने पांव जैसे ही ऊपर उठाया, पांव छकड़े में लगा, छकड़ा उलटकर चूर चूर हो गया। उसी समय यशोदा गीले वस्त्रों में ही शीघ्रता से लौटी तो छकड़ा को पलटा हुआ व टूटा हुआ देखकर घबरा गई कि बच्चे को कोई हानि तो नहीं हुई, परंतु बच्चे को सुरक्षित पाकर प्रसन्न हो गई तथा बच्चे को छाती से लगाकर स्तन पान कराने लगी कि यदि बच्चे को कुछ हो जाता तो नंद जी आज कितने नाराज होते। तब तक नंद जी भी वहां आ गई। वे भी छकड़े को पलटा हुआ और टूटा हुआ देखकर घबरा गए, सोचने लगी बच्चा तो सुरक्षित है। घर में जाकर बच्चे को सुरक्षित पाकर नंद का हृदय प्रसन्न हुआ। यशोदा ने बच्चे को छकड़े के नीचे लिटाकर यमुना स्नान करने जाने तथा लौटने तक छकड़े को पलटा होने की बात बताई। उन्हें भी पता नहीं था कि छकड़े को किसने पलटा। तब तक गोप बच्चे आ गए, बोले यह छकड़ा इसी बच्चे ने अपने पैर के भार से पलट दिया जिससे यह टूट भी गया। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। यह सुनकर नंद जी भय मिश्रित प्रसन्न मुद्रा में हो गए तथा श्री कृष्ण द्वारा छकड़े पलटे जाने पर आशाचकित हो रहे थे। फिर टूटे छकड़े को जोड़कर ठीक कर दिया। भूतनावद वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, कंस ने अपने दूतों को आदेश दिया ही था कि पूरी पृथ्वी पर खोजो कि कौन मेरा शत्रु है और उसका वध कर डालो। उसके बाद कंस की धाय पूतना पक्षी का रूप धारण कर नंद के घर पर आधी रात को पहुंचकर अत्यंत भयानक आवाज करने लगी। फिर दूध की वर्षा करती हुई छकड़े पर जा बैठी। उसके बाद श्री कृष्ण के पास जाकर उनको स्तनपान कराने लगी। सभी लोग गहरी निंद्रा में सोए थे, अतः पूतना के आगमन का किसी को पता नहीं चला। श्री कृष्ण ने पूतना का स्तनपान तो किया ही, साथ ही उसके प्राण को भी पी गई। पूतना भयंकर चीत्कार करते हुए पृथ्वी पर पड़ गई। उसकी भयंकर आवाज सुनकर सभी गोप नंद व यशोदा जाग गए। नंद के घर भीड़ लग गई। सभी ने मरी हुई विशाल शरीर वाली स्त्री पूतना को देखा जिसके स्तन कटे हुए थे। यह घटना क्यों और कैसे हुई इसका पता किसी को नहीं चला। यहाँ तक कि यशोदा जी को भी, जो कि श्री कृष्ण बालक को लेकर सोई थी, उन्हें भी इस संबंध में कुछ पता नहीं था। सभी लोग आशाचकित होते हुए अपने घर को गए। नंद व यशोदा भी आश्चर्य में पड़े हुए श्री कृष्ण के जीवन के लिए भयभीत हो गए। साथ ही उनके मन में यह बात भी उठने लगी कि यह सब कंस के द्वारा ही किया गया है। यमला अर्जुन वृक्ष का भंग होना। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, समय बीतने के साथ साथ दोनों गोप बालक संकर्षण व श्री कृष्ण शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वृद्धि को प्राप्त होने लगे। दोनों घुटने के बल चारों तरफ दौड़ने लगे। कभी कभी थोड़ा बहुत खड़ा होने की चेष्टा भी करते थे। दोनों बालकों का समान रूप से पालन पोषण होता था, अतः दोनों के वस्त्र सैया आसन था, बाल क्रीड़ाओं के हाव भाव भी समान ही थे। उठना बैठना नाक भौं सिकुड़ना सब समान था। दोनों ही साथ खेलते हुए अपने शरीर में कभी उपला का भस्म लपेटे, कभी उपले का चूरा तथा कभी हाथ में देह में गोबर व मिट्टी लपेटे रहते थे। परंतु बड़े होने के साथ साथ शरारती भी होने लगे।
एक दिन माता यशोदा ने नाराज होकर श्री कृष्ण के कमर में रस्सी बांधकर ओखली से बांध दिया। बोली, अब तुझ में शक्ति है तो इससे छुड़ाकर चला जा। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। श्री कृष्ण ओखली को धीरे धीरे खींचते हुए घर से बाहर निकल गए और वहां पहुंच गए जहां यमल व अर्जुन नामक जुड़वा वृक्ष एक साथ खड़े थे। दोनों की जड़ें एक साथ जमीन में लगी थीं। उसके मध्य से श्री कृष्ण पार होकर ओखली को खींचने लगे। ओखली अटक गई थी। श्री कृष्ण द्वारा धक्का देकर झटके से ओखली के खींचने पर दोनों वृक्ष पृथ्वी पर धराशायी हो गए। श्री कृष्ण उन दोनों के मध्य खड़े होकर ताली बजा बजा कर हंस रहे थे। गोप बालाएं उन्हें इस दशा में देखकर माता यशोदा के यहाँ दौड़ी दौड़ी गईं। बोली, अरे माता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तेरा लल्ला कहाँ है, कैसे है, कुछ खोज खबर नहीं रखती? यमलार्जुन के वृक्ष दोनों टूटकर जड़ समेत पृथ्वी पर पड़े हैं। तबीज तुम्हारो श्री लल्ला खड़ो है और ताली दे दे के टो मारो है। अरे जल्दी चलो, देर ना करो। गोप बालाओं से श्री कृष्ण का समाचार पाकर यशोदा घबराई तथा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास गई कि कहीं कुछ भयो तो नहीं। परंतु वहां देखती है कि श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में ताली बजा बजा कर हंस रहे हैं। सभी गोप भी एकत्रित हो गए हैं तथा श्री कृष्ण को सुरक्षित पाकर भगवान को दुहाई देते हैं। नंद जी उनके कमर में रस्सी को खोल कर हृदय से लगा लेते हैं। गोप लोग नंद से कहते हैं कि न वर्षा, न बिजली, न हाथियों का उपद्रव, तो ये वृक्ष कैसे गिरा? हे नंद जी, इसके पहले दो दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, एक छकड़े का टूटना तथा दूसरा पूतना का मारना, तीसरा यह है यमलार्जुन वृक्ष का गिरना। ये सब हम सभी के लिए अशुभ सूचक है। अब हम लोगों को यह स्थान बदल कर अन्यत्र चले जाना चाहिए। इस प्रकार जिसकी जो समझ में आता वही बात कहता। नंद जी श्री कृष्ण को ऐसे हृदय से लगाए थे जैसे खोया हुआ बहुमूल्य रत्न पा लिया हो। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, संकर्षण व श्री कृष्ण दोनों भाई अब 7 वर्ष की आयु के हो गए। संकर्षण नीले वस्त्र तथा श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते थे। माथे पर चंदन का टीका लगाते थे, सिर पर कमल पुष्प के मुकुट, कान में मोर पंख का कुंडल, गले में बनमाला, कंधे पर मूंज की रस्सी का जनेऊ, हाथ में तुम्बी व छींका से सुशोभित बंसी बजाते हुए लंबी सिका धारण कर गोवों को वनों में चराते थे और खेलते थे। एक बार श्री कृष्ण संकर्षण से बोले, हे भैया, अब हम लोगों को इस वन को त्याग देना चाहिए क्योंकि गोवों ने इस वन के काष्ट वृक्ष व घासों को काट काट कर बर्बाद कर दिया है। अब गौओं के लिए नए और अच्छे घास उपलब्ध नहीं है। वृक्ष भी अब इतने दूर दूर व पत्रहीन दिखाई देते हैं कि शीतल व सुगंधित वायु मिलना कठिन हो गया है। पहले तो सुविधा से काष्ट व घास पास में ही मिल जाया करता था, अब इसके लिए काफी दूर जाना पड़ता है, फिर भी कठिनाई से ही मिलता है। अधिकांश पक्षी भी लगभग अब इन वन को त्याग चुके हैं। अब यह ब्रज गांव न रहकर नगर हो गया है। पर्वतों की शोभा गोए हैं और गोए ही हमारे लिए परम गति हैं। अतः अब हम लोगों को वहां चलना चाहिए जहां गौवों को नवीन तृण उपलब्ध हो तथा हमको खेलने के लिए भी सुंदर व उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो सके। यहाँ जो थोड़ा बहुत घास उपलब्ध भी है वह भी गोबर व गौमूत्र से त्रारीय बन गए हैं, जिनके चढ़ने से गौओं का दूध हितकर नहीं होता। हम लोगों को अब ब्रज को त्याग कर वृंदावन चलना चाहिए। यह यमुना के किनारे सुंदर व हरे वृक्षों व घासों से युक्त है, जिस पर सुंदर सुंदर सुस्वादु फल व फूल लगे हैं। वहाँ सदा शीतल व मनोरम ऋतु व दृश्य रहता है। वहाँ गोपिकाएं आनंद से विहार कर सकती हैं। पास में ही नंदन वन है
जिसके मध्य से उच्च शिखर वाला गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत के ऊपर नीले मेघ के समान हरा भरा एक योजन में फैला भांडी नामक वट वृक्ष है। उन सबको देखकर हम लोग आनंदित होंगे। इन ब्रजवासियों को ब्रज त्यागने के लिए भय उत्पन्न करना होगा, जिससे कि वे ब्रज को त्याग कर अनंत चलने को झटपटाने लगे। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपने शरीर से हजारों भीषण आकार वाले भेड़िए उत्पन्न कर दिए। भेड़िए गोपों, गौओं, गोपिकाओं व बछड़ों पर आक्रमण कर आतंक मचाने लगे। कितने गोवों व बछड़ों को मार दिया तथा गोप बालकों को उठा ले गए। पूरे ब्रज में आतंक छा गया। लोगों का घर से निकलना कठिन हो गया तथा गोवों को वन में जाना भी उन भेड़ियों से भयभीत होकर सभी ब्रजवासी इकट्ठे रहने लगे। वे संपायन जी ने कहा, हे राजन, भेड़ियों का आतंक चरम सीमा पर था। सभी वृद्ध गोपों ने आपस में परामर्श किया कि अब इस असुरक्षित स्थान में रहना ठीक नहीं है। मनुष्यों, गौ व बछड़ों को मारना भेड़ियों को नित्य प्रति का काम हो गया था। सभी ने नंद से भी ब्रज त्यागने का परामर्श किया। नंद वृद्ध गोपों के परामर्श को स्वीकार करते हुए बोले, ऐसी दशा में ब्रज को त्यागने में देर नहीं करनी चाहिए। सभी ब्रजवासियों में मनादी पिटवा देनी चाहिए कि सभी शीघ्र से शीघ्र अपने गौ व बछड़ों को एकत्रित कर तथा छकड़ों पर अपना सारा सामान लादकर वृंदावन चलने के लिए एकत्रित हो जाएं। ब्रज त्यागने व वृंदावन चलने की सूचना सभी ब्रजवासियों में विद्युत गति की तरह फैल गई। थोड़े ही समय में सभी अपने अपने गौओं, बछड़ों व सामान लादे छकड़ों के साथ एकत्रित हो गए और वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिया। गोपिकाएं सिर पर व बगल में गगरी दबाए एक पंक्ति में चल रही थीं। उनकी नीली, पीली व लाल रंग की चोलियों के रंग का मेल इंद्रधनुष को भी मात कर रहा था। वे छकड़े अपनी तीव्र गति में ऐसे चल रहे थे जैसे वहां में तैर रहे हों। सभी ने वृंदावन पहुंचकर अपने छकड़ों को चद्राकार स्थिति में खड़ा कर दिया। फिर गौशालाओं का तथा अपने रहने के लिए झोपड़ियों का निर्माण किया। छकड़े से उतार कर अपना सभी सामान अपनी झोपड़ियों में उचित स्थानों पर रखा। ब्रज भूमि मरुभूमि की तरह उदास हो गई। अब वहां कौवे मंडराने लगे। वृंदावन में गौओं को सुंदर चारा उपलब्ध होने लगा तथा मनुष्यों को मधुर जल व स्वादिष्ट फल। सभी आनंदित हो गए। भेड़ियों का भय जाता रहा। सभी गौएं, गोप गोपिकाएं, संकर्षण आदि श्री कृष्ण के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। वैशंपायन जी ने कहा, हे जनमेजय, एक बार श्री कृष्ण देह के समीप स्थित कदम्ब के बट पर चढ़ गए और उस पर से कालिया देह में कूद पड़े। उनके कूदने से जल बौखला उठा तथा भयंकर शब्द काली नाग के निवास स्थान तक पहुंच गया। उसे सुनकर वह क्रोधित हो उठा। उसकी आंखें लाल लाल हो गईं। अपने पांचों मुखों से आग की लपटें छोड़ने लगा, जिससे देह का पानी उबलने लगा। काली नाग के विष से देह का जल कृष्ण वर्ण का हो गया। श्री कृष्ण जल में तैर रहे थे। कालिया नाग श्री कृष्ण की तरफ फुंकारता हुआ झपटा तथा उन्हें पकड़कर जोर से बांध लिया तथा काटने लगा। कालिया नाग के मुख से निकलती हुई आग की लपटों, गर्म उच्छ्वास तथा काटने से उसके तीव्र विष का श्री कृष्ण पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा, परंतु उसके गर्म उच्छ्वास से देह के किनारे के सभी वृक्ष व घासें जलकर भस्म हो गईं। नंद सहित सभी गोप देह के किनारे खड़े होकर अश्रुपात करते हुए विलाप कर रहे थे, हाय श्री कृष्ण, हाय श्री कृष्ण। इस पर बलराम संकर्षण क्रोधित होकर उच्च स्वर में बोले, हे श्री कृष्ण, इस नाग को मारकर जल्दी बाहर आओ। नंद बाबा सहित जन समूह तुम्हारे लिए चिंतित हैं। तब श्री कृष्ण ने उसकी रस्सी से काली नाग को नाथ कर उसके मस्तक पर नाचने लगे।
काली नाग पीड़ित होकर विनय पूर्वक श्री कृष्ण से बोला, हे प्रभु, मैंने आपको पहले पहचाना नहीं था, इसलिए मैंने आप पर क्रोध किया था। अब मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा आप हमें प्राण दान करें तथा आगे मुझे निर्देश दें कि हमें क्या करना है। श्री कृष्ण बोले, तुम इस यमुना जल को त्याग कर सब परिवार समुद्र में जाकर निवास करो। आज के बाद यहाँ यदि मैंने तुम्हें तुम्हारे पुत्रों अथवा भाई बंधुओं को देखा तो निश्चय ही वध कर दूंगा। तुम्हारे यहाँ रहने से सभी भय करते हैं तथा यमुना जल भी दूषित हो गया है, इसलिए शीघ्रता शीघ्र तुम्हें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। तुम्हें गरुड़ से भय है, परंतु वह तुम्हारे मस्तक पर मेरे पद चिन्हों को देखकर भगवान का स्मरण कर चला जाएगा, तुमसे कुछ नहीं बोलेगा। इसके बाद श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर काले नाग नंद व सभी गोपों के देखते देखते दह से चला गया तो श्री कृष्ण दह से बाहर निकल आए। सभी गोप उन्हें घेर कर स्तुति करते हुए दुहाई देने लगे। तब नंद से कहने लगे, अब हम लोगों को जरा भी भय नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों को विश्वास हो गया है कि हम ब्रजवासियों पर आया बड़ा संकट भी श्री कृष्ण के द्वारा दूर हो जाएगा। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, एक दिन श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई खेलते हुए तथा गौओं को चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर पहुंच गए। गोवर्धन के उत्तरी भाग में यमुना के किनारे तमाल पत्रों से ढका हुआ तालवन में दोनों भाई घूमकर दृश्यावलोकन करने लगे। वहां की भूमि साफ सुंदर कुश से युक्त तथा मिट्टी बाली समतल भूमि थी। वहां ऊंचे ऊंचे ताल फलों से युक्त ताल वृक्ष शोभित थे। श्री कृष्ण बलराम से बोले, जब ये फल सुगंध से नाक को तृप्त कर रहे हैं तो इसका स्वाद अमृत तुल्य होगा, इसलिए हे भैया, इस अत्यंत स्वादिष्ट सुगंधित व सुंदर फलों को झाड़ना चाहिए। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर बलराम जी मुस्कुराते हुए वृक्षों को हिला हिला कर फलों को झाड़ने लगे। फलों का ढेर लग गया। उस तालवन में गधे के रूप में एक धेनुकासुर नामक राक्षस रहता था। वह गिरते हुए फलों की आवाज सुनकर क्रोध से आंखें लाल लाल कर दौड़ते हुए आया। धेनुकासुर यमराज की तरह मुंह फैलाए बलराम को काटने लगा। फिर उसने ज्यों ही बलराम को दुलत्ती मारनी चाही, तभी बलराम ने उसके पैरों को पकड़कर तमाल वृक्ष पर पटक मारा। उसके शरीर की सारी हड्डियां चूर चूर हो गईं। वह मरकर चेष्टाहीन हो गया, साथ ही वृक्ष से बहुत से फल गिरे। फिर एक एक करके बलराम ने उस धेनुकासुर के सभी अनुयायियों को एक एक करके मार डाला। इसी के साथ श्री हरिवंश पुराण की 11वें दिन की कथा संपूर्ण हुई। बोलो हरिवंश पुराण की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।